इनोनाई ठेठ पिछे डाके तेन चपेड़ा मारो। अच्छा 15 ते कॉल करो तेन पकड़ा दे। सर आप चपेड़े मारे, मैं तस्वीर ना बनाऊं। आप ओनु आप बना मेरे, आप चपेड़े मारे, आप बना मेरे, आप चपेड़े मारे और मैं तस्वीर ना बनाऊं। मेरी तस्वीर ना वो बनाएगा, वो सब कुछ करेगा। आप कौन होते हैं मेरे चपेड़े मारने वाले? ये कितने की पर्ची दे रहे हैं आप? 200 की। ये पार्किंग किससे रजिस्टर्ड है? ये एफबीआर से रजिस्टर्ड है। एफबीआर जी पार्किंग भी रजिस्टर कर दी। इरफान साहब बदतमीजी, आपकी चीज ही नहीं, बदतमीजी नहीं कर क्यों? ये जी पंजाब पुलिस लेके जा रही है। वैसे हैरानकुन बात है कि पंजाब पुलिस की अपनी नंबर प्लेट भी नहीं है। क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र खैरियत से। क्या नाम है अपना? आसिम। क्या नाम है? मोहम्मद आसिम। ये शख्स पहले भी हमारे एक प्रोग्राम में बेनकाब हो चुका है, मगर तब जनाब ने अपना नाम इरफान बताया था और आज आसिम, यानी इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं कि अपना सही नाम भी बता सकें। इरफान नाम है मेरा। क्या नाम है? मोहम्मद आसिम। आसिम साहब इधर आए, जरा बात सुनिए। ये कितने की पर्ची दे रहे हैं आप? 200 की। 200 की, ओके। बदमाशी सरेआम, वेरी गुड। ये गाड़ी की पार्किंग है जी। आप यहाँ पर अगर गाड़ी पार्क करते हैं तो आपको 200 रुपया पार्किंग फ़ी देनी पड़ेगी, ठीक है? 200 रुपया लिया किन से जा रहा है? जो लोग बिल सही करवाने आते हैं यहाँ पर अपने, उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, मजबूर लोग। साथ गंगाराम है, मरीजों के साथ लवाहिकीन आते हैं, ये उनकी गाड़ी। एक मिनट यार, एक सेकंड, किसकी गाड़ियां हैं? यारी ऑफिस की। किसकी गाड़ियां? यारी ऑफिस की। अच्छा हाँ जी। तो 200 रुपया पार्किंग है। हाँ जी। किसने कहा है आपको? किसने कर रहे हैं हम? किसने कहा है पार्किंग? सर हजरत 200 किसने कहा? प्राइवेट पार्किंग। हजरत पार्किंग पे डकैतियां करना शुरू कर दी आप। डकैती आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आप नजायज करवा रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, ठीक है? ये जगह किस नहीं करा रहे? जगह किसकी? प्राइवेट है, ओनर किसकी है, मालिक की है और किसकी है? ये पार्किंग किससे रजिस्टर्ड है? ये एफबीआर से रजिस्टर्ड है। एफबीआर जी पार्किंग भी रजिस्टर कर दी। ग्राफिक डिजाइनर है, उससे ये ग्राफिक बनवाया गया। ये 200 रुपया पर पर्ची ली जा रही है उस गरीब आवाम से, उस मजबूर आवाम से जो इस दौर में बिल नहीं पे कर पा रही। वो बिल ठीक करवाने के लिए इधर लाइनों में लगते हैं। ये उन मजबूरों की मजबूरी से फायदा उठाते हैं और 200 रुपया पार्किंग का ले रहे हैं। एक गरीब शख्स जिसके पास 200 रुपया नहीं है, उससे कह रहे हैं आप 200 नहीं देंगे तो यहाँ से बाहर निकल के दिखाएं। ये तो चलेंगे, इनकी प्राइवेट ठेका है। आपको एक और बदमाशी दिखाता हूँ। दो नंबरी और बत्ताखोरी का लेवल ये कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी 200 रुपये ही देंगी, वरना कोई गाड़ी यहां से हिल कर दिखाए। ये कहना था जनाब आसिम साहब का। प्राइवेट ठेका इनका यहां तक है। ये रही है दीवार, ये प्लॉट जहां पे खत्म हो रहा है, ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये इधर दिखाएं जी सड़क के ऊपर, और इन सब का 200 ही है। आप भी साथ? हाँ, मैं इस पार्किंग के काम पकड़ता हूँ। कितने ले रहे हैं पैसे? 200 लेते हैं हम। यार खुदा का खौफ नहीं है आप लोगों में। सर मैं वर्कर हूँ, मैंने गाड़ी। सर ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना हजरत, आप वर्कर हैं, आप हल्फन बताएं। आपको 200 रुपये इधर देना पड़ जाए, आपको लाले नहीं पड़ जाएंगे, आपकी दोपहर की रोटी नहीं रुक जाएगी। मैं गाड़ी नहीं खड़ी करूँगा यहाँ पर। पुश्त पनाही करने वालों को कॉल पर एक एक मिनट की इतला दे रहे थे। जब तसल्ली मिलती तो मजीद दलेर हो जाते। हमने ये सब देखने के बाद अपना मुकदमा पुलिस के सामने रखने का फैसला किया, मगर अफसोस के पुलिस को पहुंचने में तकरीबन 50 मिनट लग गए। ये जी पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम साहिब जी, सर नुमान क्या मदद कर सकते हैं आपकी? मैडम मैं इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल के सामने लेस्को ऑफिस है। जी सर। लेस्को ऑफिस के बिल्कुल सामने पार्किंग है, वहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर एक शख्स जो कि पार्किंग माफिया कह लें या वो, तकरीबन 200 रुपया चार्ज कर रहे हैं पार्किंग का। और आगे से बदमाशी कि जी आप जो कर सकते हैं कर लें, हमारे इतने असर रसूख हैं कि आप हमें रोक नहीं सकते। तो काइंडली अगर यहाँ पे मुतलका पुलिस को भेज दें। ठीक है सर। थैंक यू सो मच मैडम। ये जी पंजाब पुलिस को हमने इतला दे दी है कि लेस्को के ऑफिस के सामने पार्किंग में ये कुछ हो रहा है। गंगाराम की पार्किंग है, गाड़ियों से 200 रुपया चार्ज किया जा रहा है। अभी स्टेट आती है तो हम इंशाल्लाह स्टेट के सामने मुकदमा रखते हैं। इस मामले में अचानक 2 अफराद नमदार हुए और पार्किंग माफिया को मशवरा देने लगे, मुझ समेत मेरी टीम को बांध कर थप्पड़ मारे जाएं। यार की सर ये आप सर आप फिर साइड पे हो जाएं। आप काइंडली फिर साइड पे हो जाएं, कैमरा बंद कर, आप साइड पर हो जाएं। प्लीज आप साइड पर, तस्वीर नहीं होनी चाहिए। सर आप साइड पर हो जाएं, आप आए, मैं नहीं आया, हमने नहीं लिया आपको। आप साइड पर हो जाओ। इनोनाई ठेठ पिछे डाके तेन चपेड़ा मारो। अच्छा 15 ते कॉल करो तेन पकड़ा दे। सर आप चपेड़े मारे, मैं तस्वीर ना बनाऊं। आप ओनु आप बना मेरे, आप चपेड़े मारे, आप बना मेरे, आप चपेड़े मारे और मैं तस्वीर ना बनाऊं। मेरी तस्वीर ना वो बनाएगा, वो सब कुछ करेगा। आप कौन होते हैं मेरे चपेड़े मारने वाले? बिलाखिर 50 से 55 मिनट के इंतजार के बाद पंजाब पुलिस तशरीफ लाई और आते ही गिरफ्तारी अमल में लेकर आए। ये गिरफ्तारी इरफान और अब का फर्जी नाम आसिम का कुछ बिगाड़ सकेगी या नहीं, ये तो वक्त ही फैसला करेगा। पंजाब पुलिस के जवान आए हैं और हमने अवाम का मुकदमा इनके सामने रखा है। सर, ये पर्ची वाले हजरत है। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। 200 ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। सर इधर एंटी है ना, की करिए मेन थाना चलिए। ठीक है सर, SHO साहब के इनको पेश करेंगे जाके। ठीक है, जो कार्रवाई बनेंगे वो इन पर पर्चा देंगे इंशाल्लाह। अवामी फैसले की तवक्को हम रखें इंशाल्लाह। सर, गुड नेम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मोहम्मद अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा काम था स्टेट के सामने अवामी मुकदमा रखना। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा क्विक रिस्पॉन्स दिया। ये जी पंजाब पुलिस लेके जा रही है। वैसे हैरानकुन बात है कि पंजाब पुलिस की अपनी नंबर प्लेट भी नहीं है। सर, 200 रुपया लिया, ज़्यादा नहीं है। सर, ब्लैकमेल हो रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं। देखे ना, 3 दफ़ा 4 दफ़ा गाड़ी खड़ी करेंगे तो 1000 दे के जाएंगे ना, 1000 दे के जाएंगे। तो अब इट्स टू मच। तो गवर्नमेंट को भी कोई पार्किंग स्टैंड बनाने चाहिए। गरीब आवाम का मुकदमा हमने स्टेट के सामने रखा है। इस पार्किंग में जहाँ पे गंगाराम के मरीज आ रहे हैं, लवाहकीन आ रहे हैं, 200 रुपया चार्ज किया जा रहा था। इतनी दूर बैठे हमें खबर पहुँची। हमने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए स्टेट के सामने मुकदमा रखा और वो शख्स जो यहाँ का बदमाश बना हुआ था उसे गिरफ्तार करवा चुके हैं। पुलिस ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। मजीद अगर यहाँ पर 200 ही लिया जाता है तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन।